क्या कह दिया कंगना रनौत ने कि बीजेपी ने किया उन्हें किनारा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। उन्होंने किसान आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलन के नाम पर उग्रवादी हिंसा फैल रहे हैं और प्रदर्शन स्थल पर रेप और हत्याएं। कंगना रनौत ने इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर। कंगना ने एनएसए के तहत एक्शन लिए जाने की मांग की। वहीं अब बीजेपी ने भी कंगना के इस बयान से किनारा करते हुए कहा कि ये उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई भी लेना देना। जी हाँ, एक मीडिया इंटरव्यू में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहाँ रेप हो रहे थे, लोगों को मार कर लटकाया जा रहा। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून को वापस लेने के फैसले को सही ठहराते हुए कंगना ने कहा कि जब बिल को वापस लिया गया तो सभी उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी परंतु वो विफल हो। विपक्षी दलों ने कंगना के इस बयान पर अब सीधा निशाना साधा। पंजाब के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने और NNS के तहत एक्शन लेने की बड़ी मांग की है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि कंगना ने पंजाब और किसानों को बदनाम किया है, ऐसे में उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया जाना चाहिए। वेरका ने कहा कि आए दिन कंगना पंजाब के नेताओं और किसानों पर सवाल उठाती, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए।